पीएम मोदी, सीएम योगी की हत्या की धमकी, ईमेल के जरिए पीएम योगी की हत्या की धमकी आई है। साथ ही आपको ये बड़ी खबर बता दें, नोएडा पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज की है। कार्तिक सिंह नाम के युवक ने दरअसल ये ईमेल भेजा। नोएडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर है और ये धमकी जो दी है ये ईमेल के जरिए दी गई है और इसी के बाद से नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कार्तिक सिंह नाम का एक युवक है जिसने ये ईमेल भेजा। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या खबर मिल पा रही है इस बाबत? एक निजी चैनल के सीएफओ को एक मेल आया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जैसे ही ये मेल उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये मेल कहां से आया है और कौन लोग हैं ये मेल करने वाले, ताकि उन तक पुलिस पहुंच सके और उचित कार्रवाई कर सके। लेकिन जिस तरीके से ये मेल आया है उसके बाद से नोएडा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सभी सीनियर अधिकारी इस मेल को देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं। साइबर टीम भी लगी हुई है, इसके अलावा स्पेशल टीम भी सीपी के निर्देश पर लगाई गई है ताकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए। कार्तिक सिंह नाम के युवक ने ये मेल भेजा है, ये नाम तो सामने आ चुका है, तो क्या ये फेक आईडी भी हो सकती है और क्या ये हो सकता है कि कहीं और से इस मेल को भेजा गया हो? देखिए, जिस मेल आईडी से ये मेल आई है उसका नाम जो किसी कंपनी के सीएफओ हैं उन्होंने पुलिस को दिया है और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये अंदेशा है कि ये जो ईमेल आईडी है वो फेक हो सकती है, क्योंकि अपनी मेल आईडी से कोई इस तरीके का मेल नहीं करेगा। लिहाजा पुलिस सभी पहलुओं पर जांच जी बिल्कुल जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी। और Zini